नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में एक ज़बरदस्त जॉब अपडेट के साथ। सबसे पहली बात, बीटेक और एमटेक वाले जो भी हैं स्टूडेंट्स, वो खुश हो जाइए। अगर क्योंकि अगर आप बीटेक एमटेक के बाद आपने बीएड नहीं भी किया है, जी हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, अगर आपने बीएड नहीं भी किया है तो आप वर्तमान में बिना एग्जामिनेशन के, बिना किसी परीक्षा के आप स्कूल के अंदर शिक्षक बन सकते हैं। और ये बात 100% सच है, मैं आपको अभी दिखाऊँगा नोटिफिकेशन और जितने भी छोटे बड़े नोटिफिकेशन हैं, अगर आपको जो भी हम वीडियोस में बताते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे नोटिस वगैरह आती रहती है, सरकारी या फिर प्राइवेट भी कुछ अच्छा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल होगा, वहाँ पर जुड़ना है, ठीक है, वहीं पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ साथ ही साथ बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023, जो कि आपको पता है कि लगभग यहाँ पे 22,000 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे अच्छी बात है कि आपको कोई एक अच्छी गाइड लेनी चाहिए, तो वही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि चक्षु प्रकाशन, जो कि बिहार सिपाही भर्ती के लिए बेस्ट पुस्तक यहाँ पर लॉन्च कर दिया है इसने, जो कि 100% सिलेबस पर आधारित है। इसको ज़रूर परचेज करिए, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं तो किसी भी नज़दीकी दुकान पर जाके इसको आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि किताब अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गाइड में थोड़ा बहुत सॉल्व पेपर मिल ही जाएगा, लेकिन अगर वही बात मैं फ्रेंड्स करूँ कि अगर आप और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस गाइड को पढ़ने के बाद, तो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर प्रैक्टिस सेट्स भी यहाँ पर दिख रहा है। तो बिना देर किए हुए अभी अगर आप चाहते हैं 22,000 सिपाही भर्ती में एक आपका भी नाम आ जाए और आप सफलता को प्राप्त कर जाएँ, आपके ऊपर आप वर्दी को पालें बिहार सरकार के, तो ज़रूर इस किताब को अभी परचेज कर लीजिए ताकि आप सफल हो जाए। लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आपके चैनल पर कुछ भी फर्जी नहीं बताया जाता है, तो इस चीज़ के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आगे भी आपको जो भी अपडेट मिले हम अपनी 100% रिसर्च के बाद ही आपको जानकारी दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपको मधेपुरा का ये दिख रहा है, ठीक है। तो मधेपुरा का देखने का मतलब ये नहीं है कि केवल ये मधेपुरा वाले ही अप्लाई करेंगे, या फिर ये नहीं है कि केवल मधेपुरा में ही निकला है। आप ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट, अपने जो भी शिक्षा विभाग का ऑफिस है आपके डिस्ट्रिक्ट में, आप वहाँ जाइए और वहाँ पता करिए। ये मैंने एग्जांपल के लिए आपको दिखाया है। तो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको दो एग्जांपल्स मैं दिखाने वाला हूँ दो डिस्ट्रिक्ट्स के, और आपको बाकी अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके पता करना है, अपने शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा का जो आपका ऑफिस है वहाँ जाके, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 400 दिनांक 12 जुलाई 2023 के अनुसार मधेपुरा जिला अंतर्गत उच्चतर महाविद्यालय अतिथि शिक्षकों के लिए यहां पे कार्य रूप करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों का आवेदन आमंत्रित किया जाता है, जिसका आवेदन दिनांक 17 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक आप शाम 5 बजे तक अनिवार्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मधेपुरा में उपलब्ध करा सकते हैं। इस स्थिति के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं होगा। अब देखिए आगे जो मैंने आपको बोला है कि कोई भी आपको, अगर आप बीटेक एमटेक हैं तो बीएड नहीं चाहिए, वो यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है। दूसरे वाले आपको पीडीएफ में भी मैं दिखाऊंगा, ताकि आप लोग विश्वास करके जा सकें, और वर्तमान में घर बैठे हैं तो उससे अच्छा ना कहीं काम कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये क्लियर करना चाहूँगा कि क्या ये एक परमानेंट जॉब है, क्या एक सरकारी जॉब है, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर कर लेते हैं, ताकि आपका इंटरेस्ट होगा तो वीडियो देखेंगे, नहीं तो आप किसी और को शेयर कर सकते हैं जिनको ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ये एक फ्रेंड्स टेम्प्ररी जॉब होती है, जब तक इस पोस्ट पे परमानेंट वैकेंसी ना निकल जाए, ठीक है। यानी कि वर्तमान में भी आप कार्य कर सकते हैं जब तक बहाली की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए, ठीक। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, खासकर बीटेक वाले जो बहुत इंतज़ार में थे, उन लोगों के लिए तो अच्छी खबर है, क्योंकि वैसे भी आपको बहाली के बाद भी मैथ साइंस में बहुत सारी सीटें खाली रह जाएंगी, तो आप लोग लंबे समय तक काम कर सकते हैं और साथ में बीएड वगैरह करके बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा सजेशंस चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा आपके पास कोई क्वेश्चंस है माइंड में, समझ में नहीं आ रहा है आपको कुछ, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अर्हता में फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निविष्ट विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की योग्यता, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड एमएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो एसटीईटी पेपर 2 में उत्तीर्णता प्राप्त हों, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स कि आपको, अगर आपने स्नातकोत्तर किया हुआ है, स्नातकोत्तर मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया हुआ है, और साथ में आपने बीएड किया हुआ है और आप एसटीईटी भी पास है, तो आप यहाँ पे पेपर 2 में उत्तीर्ण होना आपको ज़रूरी है एसटीईटी की, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो नॉर्मल कैंडिडेट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, टेक्निकल वाले के लिए आगे स्पष्ट किया हुआ है, ठीक है। तो
टीचर बनने के लिए तो आपको पता ही है कि इतना मांगा ही जाता है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप स्नातकोत्तर प्रशिक्षित योग्यताधारी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित योग्यताधारी अभ्यर्थी, यानी कि अगर आपने STET नहीं पास किया है, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित है यानी कि आपने ट्रेनिंग BEd किया हुआ है, तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं आवेदन। लेकिन प्रीफ्रेंस जो STET पास हैं उन्हीं को मिलेगा प्रीफ्रेंस, अगर कैंडिडेट नहीं मिलते हैं उस कंडीशन में आपको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे स्नातकोत्तर योग्यताधारी अभ्यर्थी जो प्रशिक्षित नहीं भी हैं, केवल पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। सही बात है, कर तो सकते हैं, लेकिन हाँ पहले कि आपको मैंने बताया कि एक परमानेंट जॉब नहीं है, जब तक इस पोस्ट पे जब तक परमानेंट बहाली पूरी ना कर ली जाए उस कंडीशन तक आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर आप MTech हैं या फिर BTech हैं तो MTech BTech वाले कौन से पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स आपकी मिनिमम जो उम्र है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 वर्ष। तो 65 वर्ष इसलिए है क्योंकि अगर कोई शिक्षक ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं तो उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी और नियोजन में चयनित अभ्यर्थियों को 1,000 रुपये प्रति दिवस के दर से अधिकतम 25,000 रुपये मात्र मानदेय प्राप्त होगा, यानी कि प्रत्येक दिन के हिसाब से आपको एक दिन का 1,000 रुपये मिलेगा काम करने के लिए और 25,000 रुपये टोटल आपको यहाँ पे कुल मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे जो यहाँ पे रिक्त सीटों की संख्या बताई गई है, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ठीक है, यानी कि आपको जो इंग्लिश की है, मैथ्स की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, बायोलॉजी की है और जंतु विज्ञान की, ठीक है। तो जो जिस सब्जेक्ट से संबंधित हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं या ट्रेंड हैं, वो लोग आवेदन कर पाएंगे। मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री नहीं, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है BTech में तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो उनके लिए नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। MTech हैं तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, MTech के बाद BTech वालों को मिलेगा और BTech के साथ अगर कोई BEd है तो उनको पहले प्रेफरेंस मिलेगा, अगर नहीं है तो नॉर्मल BEd वाले, BTech वाले भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखिए स्पष्ट किया हुआ है कि आवेदन भरते समय आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। क्या क्या चीज़ें आपको लगानी है आवेदन करते समय वो आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मैट्रिक से स्नातकोत्तर तक के अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति स्व अभिप्रमाणित, यानी कि मैट्रिक से लेके जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट है उसके जो भी अंक प्रमाण पत्र हैं और मूल प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट है और जो मेन सर्टिफिकेट आता है उसकी जेरोक्स कॉपी, नीचे उस पर आपका साइन होना चाहिए और लिखा होना चाहिए स्व अभिप्रमाणित, ठीक है, यानी कि खुद का साइन किया हुआ को बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड या स्व अभिप्रमाणित, ठीक है। BEd के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की छाया प्रति स्व अभिप्रमाणित, जिन्होंने BEd किया हुआ है उसका भी आपको मार्कशीट और उसका जो मूल प्रमाण पत्र होता है उसका फोटोकॉपी आपको लगाना है। STET अगर आप पास हैं तो उसका भी आपको लगाना है, सेम वही चीज़। जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र की छाया कॉपी स्व अभिप्रमाणित 6 माह के अंदर जो बनी हुई हो, ठीक है, आपका जो भी जाति है और निवास प्रमाण पत्र है वो आपका स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए फोटोकॉपी और 6 महीने का अंदर का होना चाहिए। दिनांक 1 जुलाई 2023 के बाद का 2 रंगीन फ़ोटो एवं 2 लिफाफा पर सटा हुआ 40-40 रुपये का डाक टिकट के साथ लिफाफा पर अभ्यर्थियों का स्थायी पत्राचार का पता होना चाहिए। अब इसको समझिए कि आपके पास 2 रंगीन फ़ोटो उस एक तो जो आपका जो एप्लीकेशन होगा उसमें चिपकाना है और साथ में 2 अलग से लगा दीजिएगा और आप 2 छोटे लिफाफे डालेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, 2 छोटे लिफाफे डालने हैं और दोनों लिफाफे पे 40-40 रुपये का डाक टिकट सटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, और दोनों लिफाफे पे फ्रेंड्स आपका जो स्थाई पता है वो भी लिखा होना चाहिए। मैं एग्जांपल के तौर पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स आप देख लीजिए, अगर आपका ये लिफाफा होता है तो यहाँ पर आपको एक होता है फ्रॉम का कॉलम, एक होता है टू का कॉलम, तो 2 वाले में आपको अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, और आपको 40 रुपये का टिकट साट देना है जहाँ भी आपको जगह मिले और अंदर में आपको इस लिफाफे के अंदर में क्या करना है कि 2 छोटा लिफाफा और एक एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं वो सारे इसके अंदर डालने हैं, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए और अगर कुछ भी नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, अगर पॉसिबल हो तो मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अप्लाई करना है इसका, ठीक है। और आगे फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स आपको पश्चिम चंपारण के लिए भी यहाँ पे बताया गया कि 17 जुलाई से 20 जुलाई तक आपको यहाँ पे योग आवेदन करना है। स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए माध्यमिक शिक्षा बिहार सरकार पटना के पत्रांक इतना दिनांक इतना पश्चिम चंपारण अंतर्गत राज्य जो भी विद्यालय हैं सभी पर लिखा हुआ है। MTech एवं BTech प्रशिक्षित योग्यताधारी भी आवेदन करने के पात्र हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है। और आगे इस लेटर में फ्रेंड्स ये
स्पष्ट किया हुआ है कि क्यों पात्र हैं। एमटेक एवं बीटेक जो भी योग्यताधारी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको दिनांक 17/7 से 20/7 तक 5 बजे हाथों हाथ या स्पीड पोस्ट से शिक्षा भवन जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पश्चिमी चंपारण न्यू कॉलोनी डाक बंगला रोड बेतिया इतना के पते पर विहित प्रपत्र में स्वीकार्य होंगे। ठीक है, और विस्तृत जानकारी हेतु प्रपत्र उमा अनिवार्य योग्यता के लिए आपको westchamparan.nic.in पे जाके आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप स्पष्ट किया हुआ है कि जो भी बीटेक वाले हैं एमटेक वाले हैं वो आवेदन कर सकते हैं। सीटों की संख्या आपको यहाँ पे स्पष्ट की गई है कि कितनी सीटें खाली हैं आप देख सकते हैं। कुल 40 सीटें आपको पश्चिम चंपारण में खाली हैं और ऐसे ऐसे हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और ये अतिथि शिक्षक का पोस्ट है, जब परमानेंट वैकेंसी आएगी तो यहाँ पे निकाल दिया जाएगा। और आगे फ्रेंड्स आप इस लेटर को लेना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि इसमें सब कुछ स्पष्ट किया हुआ है कि कब कैसे होगा, कि क्या कुछ हो रहा है। 17 जुलाई से 20 जुलाई तक आवेदन होगा आपका। मेगा सूची 22 तारीख को आपके तैयार हो जाएगी और उसके बाद फ्रेंड्स आपका अंतिम रूप से चयन है वो 27 से 28 जुलाई तक हो जाएगा और 29 जुलाई तक आपको विद्यालय में आवंटित कर दिया जाएगा। यानी कि 29 जुलाई से आपका खत्म हो जाएगा सारा प्रोसेस और 30 जुलाई से 31 जुलाई तक यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित कर योगदान कराना है। ठीक है, यानी कि जो भी विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं आपको 30 जुलाई तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपको 30 जुलाई तक नौकरी तो मिल जाएगी। और बाकी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आगे जो प्राइस जो इसकी सैलरी है वो 25,000 तक आपको पर डे के हिसाब से मिलने वाली है, ठीक ही ठाक है। और आगे फ्रेंड्स लेटर में कुछ ये लिखा हुआ है कि बीटेक वाले जो है अलाउ है उसी के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है और एप्लीकेशन का फॉर्मेट कुछ फ्रेश नहीं है। आप लोग अगर आपके नज़दीकी शॉप पे मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमें ईमेल करिएगा, कोशिश करेंगे कि हम आपको इसका एप्लीकेशन प्रोवाइड करवा पाएँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको यही बताना था इस वीडियो में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा हमारे अपने चैनल जॉब्स वाले भैया को ट्रस्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।